कौन कहता है आप बताइए, क्या इस संसार में ऐसा कोई है जो संसार में रहे और उसे दुख ना मिले? इस संसार का नाम ही है दुखालय, इसको दुखालय कहा गया है। तो जब दुखालय में आप बैठे हैं तो दुख ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फर्क इतना है, कोई अपने उसी दुख पर निगाह गड़ाए आए हुए सुख को भी नहीं देख पाता और कोई आए हुए भयानक दुख में भी अल्प सुख को खोज के आनंद में रहता है। इतना ही फर्क है। दुख सबके जीवन में है, प्रत्येक व्यक्ति। आप श्री दशरथ जी महाराज की कथा सुन रहे हैं। दशरथ जी कौन है? भगवान के पिता बनने का सौभाग्य जिनको मिला, ये वो दशरथ जी हैं। लेकिन प्रभु की लीला देखिए, दशरथ जी को भी प्राण त्यागते समय कितने दुखों का सामना करना पड़ा। राम जी के विरह से बड़ा दुख संसार में कोई हो सकता है क्या? राम जी के जैसा पुत्र जिसको छोड़कर चला जाए, इससे बड़ा दुख कौन है संसार में दूसरा? उन्होंने भी दुख सहा। तो भैया दुख ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है। बस बात यही है, जो प्रभु के चरणों में सब कुछ छोड़ दे उसको दुख में भी सुख दिखाई देता है। सुख कैसे मिलेगा? सुख तब मिलता है जब सारी चीजें ठाकुर जी के चरणों से जोड़ दी जाती हैं। और सबसे बड़ा सुख जीवन में आपको तब अनुभव में आएगा जब जीवन में संतोष रूपी धन को आप इकट्ठा कर लेंगे। लाख यत्न करिए पर अगर संतोष की आपके अंदर शक्ति नहीं है, संतोष करने का गुण नहीं है, तो अपार संपत्ति भी आपको कम लगेगी। और अगर आपके अंदर संतोषी होने का स्वभाव है तो आप थोड़े में ही बहुत खुश हो जाएंगे। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिनु संतोष न काम नसाही और काम अछत सुख सपने हूं नाही। बिना संतोष धन आए आपके कामनाओं पर रोक नहीं लग सकती है। आप अगर संतोषी हो जाएंगे तो ही आपकी चाहतों में कमी होगी कि अब ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। ये कब आएगा? जब आप संतोषी हो जाएंगे। और अगर आप में संतोष नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी और चाहिए, ये चाहत बनी रहती है। और जब तक और ये लगा रहता है तब तक गोस्वामी जी कहते हैं इन कामनाओं के रहते हुए आपको सत्य में तो क्या सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। सत्य में तो छोड़ दीजिए। एक भिक्षुक भीख मांगता था। अब उसने भीख मांगा, एक दिन उसे किसी ने कुर्ता दे दिया। देखा कुर्ता दे दिया। अब उसने जब कुर्ता देखा तो सोचने लगा, कुर्ता ही कुर्ता भर पहने अच्छा नहीं लग रहा, तो कुर्ता के नीचे एक धोती तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खाली कुर्ता पहने कौन अच्छा लगता है, तो एक धोती होनी चाहिए। अच्छा, उसने फिर अच्छे से भीख मांगी, पैसे इकट्ठे हुए, धोती खरीद ली। अब एक दिन टहलता जा रहा था, उसने कुर्ते के दोनों तरफ जब हाथ डाला तो बड़े बड़े जेब। अब उसने सोचा इतना बढ़िया कुर्ता है और जेब दोनों खाली हैं, तो जेब में चार पैसा तो होना चाहिए। फिर लग के भीख मांगी उसने।
जब चार पैसे आ गए तो अब सोचने लगा, कुर्ता हो गया, धोती हो गया, जेब में पैसे भी हो गए, तो एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहां पर हम अपना पैसा छुपा के रख सकें, एक घर पे छत, तो एक छोटी सी मड़ैया हो जाए, एक झोपड़ी हो जाए, तब तो मैं सुरक्षित, पैसे सुरक्षित। एक झोपड़ी बना ली, झोपड़ी बन गई, गर्मी का महीना आया, लगा पसीना चूने, सोचने लगा झोपड़ी तो हो गई, काश इसमें कूलिंग की कोई व्यवस्था होती, एक पंखा तो इसमें होना चाहिए। मांग मांग के पंखा भी लगा लिया। अब सोचने लगा, ठंडी का महीना आया, पंखा तो लग चुका है, ठंडी में अब जब कड़ाके की ठंड पड़ी, जाड़े से कांपने लगा, सोचने लगा कि यहाँ पे गर्माहट के लिए कम से कम एक हीटर तो होना चाहिए। अब लगा वो हीटर करने, सोचिए हीटर तक पहुंचा, इतना ही नहीं, झोपड़ी से उसने मकान बनाया, मकान से उसने बड़ा महल बनाया, महल को उसने बड़े राज्य में तब्दील कर दिया, पर उसकी मांगने की आदत आज तक नहीं गई। जब गरीब था तो एक रुपए मांगता था, आज राजा है तो एक राज्य की कामना अभी भी करता है कि एक ही है, एक राज्य का राजा और बन जाऊं, पर उसकी मांगने की आदत नहीं गई। इसी का नाम है, अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो जीवन में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और संतोष से भी अर्थ समझिएगा, संतोषी होना एक बात यह है कि हमारे पास जो नहीं है हम उसी में खुश हैं, ये एक प्रकार का संतोषी होना है। लेकिन उससे बड़ा भी संतोष की परिभाषा ये होगी कि हमारे पास जो था वो भी अगर किसी समय चला जाए और आप सहज मुद्रा में बैठे हैं तो ये आपके अंदर सबसे असली संतोष होने का गुण है। ना होने पे तो कोई खुशी से संतोष कर लेता है, तो कोई मजबूरी में संतोष करता है, पर आ जाने के बाद दोबारा चला जाए, जैसे राघवेंद्र सरकार, एक दिन पहले कहा गया आप राजा बनेंगे, रात्रि में ही बता दिया गया राजा नहीं, आप वन में वनवासी बनेंगे, तो राम जी के चेहरे पर ना तो राजा बनने में खुशी थी और ना ही वनवासी बनने पे दुख। ये परम संतोष का लक्षण है। जीवन में संतोष होना अति आवश्यक है। तो भैया मानस जी के इस पूरे प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाल्यकाल में क्या करना है, कैसे करना है, एक चीज और देखिए, जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हमें ठीक से वर्णमाला वगैरह, छोटा बड़ा, का खा गा घा कुछ नहीं आता, एक स्लेट और एक केवल वो चौक मिलती है, तो हम जब उस पे कुछ लिखते हैं ना स्लेट पे चौक से, कई बार गलत लिख देते हैं, पर अगर गलत लिख भी देते हैं तो वो ऐसी चीज होती है, हाथ से ही हम क्या करते हैं, जोर से बोलिए, मिटा देते हैं। जब बहुत छोटे होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, अब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें पेंसिल और रबर से लिखने के लिए कहा जाता है, हम पेंसिल से लिखते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो हमारे पास एक छोटा सा यंत्र होता है, हम उससे मिटा देते हैं। फिर हम और बड़े होते हैं, अब हम युवा अवस्था में हैं, अब हम कहां जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। जब हम बड़े हुए, स्कूल कॉलेज में जब पहुंचे, अब हम पेन से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन पेन से लिखने के बाद अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या उसे मिटाना संभव है? आप कहोगे मिटाएंगे नहीं, काट देंगे, जो गलत हुआ काट के आगे दूसरा लिख देंगे, पर भैया काट कूट तो दोगे पर वो निशान रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, आपकी कॉपी पे एक दाग वो रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसको इस अर्थ में समझिए, बचपन में की गई जो गलतियां हैं वो मिटाई जा सकती हैं, पर अगर युवानी में कोई हम रास्ता भटक जाएं तो एक दाग हमारे चरित्र पर जीवन भर के लिए रह जाएगा। इसीलिए युवानी में एक एक शब्द बहुत सोच के और विचार करके लिखने चाहिए अपने जिंदगी की किताब में, कि आने वाले समय में कोई मुझे मेरा दाग ना दिखा सके कि मुझसे ये चूक कभी हुई थी। बहुत संभलने की आवश्यकता है युवावस्था में।
और कैसे इस समय को जीना है इस प्रसंग से सीखने को मिलेगा। इसमें युवाओं को क्या करना ये भी बताया है, तो वृद्धावस्था में क्या निर्णय लेना है ये भी बताया है। जनक जी को जब अपना बुढ़ापा नजदीक दिखाई दिया श्री दशरथ जी को, तो अब दशरथ जी ने समय नहीं गंवाया, तत्काल पहुंचे गुरुदेव के पास और जाकर कहते हैं यही सोच रहा हूं प्रभु कि अब मैं राम को राजा बना दूं। अगर आपको उचित लगे तो मैं अपना सर्वस्व अपने पुत्र को सौंपना चाहता हूं। हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना आप सभी से करते हूं, एक समय तक सारा भार अपने सर पर उठाइए, एक समय के बाद जिसके लिए अभी तक सब कर रहे थे उसे सौंप करके निश्चिंत जीवन जीना प्रारंभ करिए। वृद्धावस्था के एकदम आखिरी पड़ाव पर खड़े तो रहते हैं पर अभी भी मन से मोह नहीं जाता। किस बात का मोह? ना घर छूटता है ना घर की चाबी छूटती है, ये दो चीजों का बोझ आखिरी तक लिए फिरते रहते हैं। एक बात बताइए, किसी ने पूछा भैया काहे नहीं सौंप देते अपने बेटे को, बच्चों को क्यों नहीं दे देते हो? जवाब आता है अरे बच्चे अभी नासमझ हैं, सब बर्बाद कर देंगे तो। और अगर आज के बदले हम कल ही चले जाए तो क्या बच्चों को हमारी आत्मा बताने आएगी बेटा पैसे ऐसे खर्च करने हैं? कोई आएगा समझाने? अंत तो गत्वा होना उन्हीं का है, निभाना उन्हीं को है, लेकिन अपने सिर पे इतनी बड़ी गठरी लादे हम आखिरी तक चलते रहते हैं। यही केवल समझ लिया जाए कि भैया आखिरी में चाबी नहीं माला पकड़ने का टाइम कर लो तो भी अच्छा, लेकिन आखिरी तक के लिए ना पहुंचाएं तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसकी भक्ति बचपन में शुरू नहीं हुई उसकी पचपन में भी होने वाली नहीं है। बूढ़ा तोता कबो राम राम नहीं करता। खूब पढ़ाओ बूढ़े तोते को, ये मिर्ची खिला खिला के बोल, वो भी मन में कहेगा जब छोटे पेते लाए थे तब काये नहीं सिखाया हुआ, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब कहते हो राम राम कहो, अब हम कहाँ सुनेंगे क्या समझेंगे, अब नहीं कर सकते। वृद्धावस्था में हम ये सोचते हैं खाली होके भजन करेंगे, आप तो भजन करने का ठान लोगे पर आपका शरीर थोड़ी ना आपका साथ देगा, बिल्कुल साथ नहीं देगा। बचपन में समय होता है, नींद भी होती है, पर उस समय सोने का मन नहीं करता है। युवा अवस्था में नींद तो होती है, सोने का मन भी करता है, पर समय नहीं होता है। और बुढ़ापे में समय भी होता है, सोने का मन भी करता है, पर आंखों में नींद नहीं होती है। रात भर पूरी दुनिया सो रही होती, हम बाबा जी टुकुर टुकुर निहार रहे होते, क्यों? अब नींद ही नहीं आती है, नहीं आती नींद। तो भैया मेरे कुछ करना थोड़ी ना है, क्या मानस जी में कहीं गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ अपना परिवार छोड़ के तभी भजन होगा? हे नाथ ये नहीं करने को कहा है, क्या बोला है? सब करते हुए मन क्रम वचन राम पद ने हूं, राघव जी के चरणों में प्रेम रखो, यही भजन है, यही भजन है।